हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार में नई भर्ती का एक और आ चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, जो कि जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती होने वाली है, जो कि ऑफलाइन अप्लाई आपको करना पड़ेगा और ये आप डाक के द्वारा या हाथों हाथ खुद जाकर ऑफिस में जमा कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और जो लास्ट डेट है वो है 6 अगस्त 2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं डाक के माध्यम से या हाथों हाथ जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं ऑफिस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पदों के लिए कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और आप चाहते हैं कि जॉब्स के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है नगर विकास एवं आवास विभाग, जो कि नई भर्ती असिस्टेंट टाउन प्लानर के पोस्ट पर। ठीक है, ये भी ऑफलाइन अप्लाई है, इसको आप जाकर देखिए और अगर एलिजिबल है तो जोर भरिए। और एक नई भर्ती का यहाँ पर जो चल रहा है अपडेट बिहार में लेडीज सुपरवाइजर का, तो उसका मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया है आप लोग के कमेंट के ऊपर कि सर अंडरटेकिंग कैसे बनवाना है, तो इसका मैंने पूरा बताया है डिटेल्स आपको कैसे बनवाना है, क्या बनवाना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, जो लोग फॉर्म भर रहे हैं लेडीज सुपरवाइजर का, ये वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, और लेडीज सुपरवाइजर का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना मैंने यहाँ पर दिया है कि हार्ड कॉपी अगर आप भेजना है तो आपको कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, क्या क्या चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताया है, वीडियो को जाकर जरूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्रामीण विकास विभाग बिहार में जो आवेदन मांगा गया था उसका जो है आवेदन की तिथि बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो अप्लाई जरूर कीजिए, और जो किए हैं उनका जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, उनको फिर से रीअप्लाई करने के लिए कहा गया है, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपडेट, जो कि जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में है, तो वीडियो को देखिए लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से ये आई है नोटिफिकेशन, जो कि संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और ये जो भर्ती होगी ये होगी नगर विकास एवं आवास विभाग में। नगर विकास एवं आवास विभाग एवं उसके संबद्ध संस्थानों के अंतर्गत सेवानिवृत्त कनी अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर से संविदा पर नियोजन हेतु इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यानी जो रिटायर कर गए हैं, सेवानिवृत्त हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि जो सेवानिवृत्त कनी अभियंता एवं सहायक अभियंता का उक्त पदों पर विरुद्ध चयन संविदा के आधार पर जो है प्रथम 2 वर्ष एवं जो है 65 वर्ष की आयु पूरी होने में जो पहले हो उस तक किया जाएगा। ठीक है, और अधिकतम उम्र सीमा जो है 65 वर्ष तक, आवश्यकता अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा 1-1 वर्ष के लिए उनकी सेवा का जो है विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जाएगा। ठीक है, और जो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आपको जो आयु है 63 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो आरक्षित कोटि के विरुद्ध आवेदन करने वाले को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, और जो सेवानिवृत्त अधिकारी को सेवानिवृत्त के समय प्राप्त मूल वेतन एवं ग्रेड पे तथा उस पर तत्समय देय महंगाई भत्ता का योगफल में से मूल पेंशन एवं उस पर सेवानिवृत्ति की तिथि को देय महंगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आएगा वही राशि जो है मानदेय या संविदा वेतन के रूप में अनुमानी होगा। ठीक है, लेकिन पेंशन पर महंगाई राहत मिलता रहेगा। ठीक है, और जो सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन या पेंशन पुनरीक्षण हो जाने के स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। और जो वैसे पदाधिकारी जिन पर कोई निगरानी का मामला, विभागीय कार्यवाही, गंभीर आरोप विचाराधीन, दंड आदि आरोपित हो या आपराधिक मामला दर्ज हो कि सेवाएं नहीं ली जाएगी, वो जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो अनिवार्यता PPO की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, और जो संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, और अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित पदाधिकारी का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जाएगा। ठीक है, और जो इच्छुक हैं इसको आवेदन करने के लिए जो एलिजिबल है सेवानिवृत्त जो कि कनी अभियंता है या सहायक अभियंता है, अपना पूर्ण विवरण विहित परपत्र यानी उसका जो फॉर्मेट दिया गया है वेबसाइट पे, ठीक है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको उसी फॉर्मेट में भर कर संलग्न करना है या
जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ डाल देना है साथ में, और उसको जो है हाथों हाथ जमा करना है या निबंधित डाक के माध्यम से दिनांक 6 अगस्त 2019 के अपराह्न 4 बजे तक प्राप्ति व प्रेषण शाखा नगर विकास एवं आवास विभाग में जमा करना है। ठीक है, यदि आप डाक से भेज रहे हैं तो जो यहाँ पर दिया गया पता वहाँ भेजना है, या आप हाथों हाथ जाके कर सकते हैं तो खुद जाके आप नगर विकास एवं आवास विभाग में जमा कर सकते हैं। ठीक है, और निर्धारित तिथि एवं समय के बाद जो है प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, और संबंधित सूचना नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के सूचना पट पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो इसके लिए जो होगा सिर्फ इंटरव्यू होगा, ठीक है, और उसी के आधार पर जो है इम्पैनलमेंट हेतु चयन किया जाएगा। ठीक है, और जो आवेदन हेतु जो इसका फॉर्मेट है जिसमें आपको भरना है, उसके लिए आप विभागीय जो वेबसाइट है www.urban.bih.nic.in पर जाके विजिट कर सकते हैं, या एक और वेबसाइट है www.prdbihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वेबसाइट का लिंक जो है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और ये पूरा PDF का लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।